वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूटोरियल। प्रिय शिक्षार्थी, आज हमें अष्टम श्रेणी इंग्रेजी एक्टिविटी टास्क पार्ट 5 के प्रश्नगुल उत्तर सह आलोचना करब। चलो प्रश्न भलोक एक बार देखे नाओ। ये तुम्हारे अगस्ट मासर एक्टिविटी टास्क, जो सेप्टेम्बर मासे स्कूले जमा दीते हैं। एर आगे तुम्हारे मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 5 अन्यान्य विषय उत्तरगुल आलोचना कर दिए। जरा एखो लेखनी तरज डिस्क्रिपशन बक्से लिंक दिए दीची, देखे लिखे नाओ। चलो हमें आलोचना कर दीची, देखे नाओ। प्रथम एक्टिविटी 1, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द गिवन बॉक्सेस, राइट सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर योर आंसर। प्रथम की बोलते देखे, इट वाज अराउंड 8:30 PM व्हेन डिजेन रीच्ड देयर हाउस एट इलगिन रोड। एटा की हबे फॉल्स। सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखे नाओ, सिसिल फिनिश्ड हिज डिनर आर्लि एंड ड्रोव द एलजिन रोड अराउंड 8:30 PM। दुई की बोलेछे देखे नाओ, द्वितीय स्टेटमेंट, सिसिल वाज द ओनली पर्सन हु न्यू अबाउट द प्लान अफ एस्केप। सपोर्टिंग एटा हबे फॉल्स, बक्से लिखे देबे फॉल्स। सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखे नाओ, नान अफ द फैमिली मेम्बर्स न्यू एनीथिंग एक्सेप्ट सुभाष नीस इला एंड मेल कजिन डिजेन। तीन नम्बर की बोले, मुहम्मद जियाउद्दीन वाच सुभाष चंद्र बोस इन डिसग्विज। एटा हबे ट्रू। सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखे नाओ, सुभाष हैज चेंज्ड इनटू हिज डिसग्विज एज मुहम्मद जियाउद्दीन। चले एबार एक्टिविटी 2 ते की बोले, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखे नाओ, व्हाट इज द वंडर्ड। द वंडर्ड इज द पर्सनल कार ऑफ सिसिल। बी ए की बोले, हुईच पर्सन ऑफ द बोस फैमिली न्यू अबाउट द ग्रेट एस्केप ऑफ सुभाष। आंसर देखे नाओ, सिसिल इला एंड डिजेन फ्रॉम द बोस फैमिली न्यू अबाउट द ग्रेट एस्केप ऑफ सुभाष। सी ए की बोले, हाउ डिड सुभाष डिसग्विज हिमसेल्फ। सुभाष हैड चेंज्ड इनटू हिज डिसग्विज एज मुहम्मद जियाउद्दीन वेयरिंग ए लॉन्ग ब्राउन कोट बैगी सलवार्स ए ब्लैक फेज एंड गोल्ड वेयर रिमेड स्पेक्टाकल्स। एबार चले आसो एक्टिविटी 3 ते, क्लासिफाई द नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज अफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो। देखे नाओ आगे सेंटेंसगुलो देखार पर तार मध्य थेके एडवर्ब फ्रेज एवं एडजेक्टिव फ्रेज एवं नाउन फ्रेज तीनटे आमरा आलादा आलादा करे लिखे नेब छक करे। प्रथमे कि बोलेछे, दोज हाउसेस आर भेरि एक्सपेन्सिव। दुई बोलेछे, आई उइल नेभार डू दैट नेभार इन अ मिलियन इयर्स। शी बोलेछे, सी इज रेदर फंड अफ सिंगिंग। डी बोलेछे, द स्पटेड पप्पी इन अप इज अप फॉर एडप्टेशन। ये की बोलेछे, इट वाज कोल्ड ब्लैक बाइटिंग वेदर। एफ ए की बोलेछे, मीट मी एट द मॉल लेटर इन द इवनिंग। चले आमरा छकटाते लिखे नी। नाउन फ्रेजे की हबे, प्रथमटा थेके देखो, द हाउसेस नाउन फ्रेज। देखो द्वितीयटार मध्य आछे नेवर इन ए मिलियन इयर, एटा होच्छे कि एडवर्ब फ्रेज। एखाने लिखे नेबे एडवर्ब फ्रेजे, एटा लिखे नेबे नेवर इन ए मिलियन इयर। तारपरे सी ते आछे देखो, रेदार फंड अफ सिंगिंग, एटा होच्छे एडजेक्टिव फ्रेज। ए देखो माझे लेखा आछे एडजेक्टिव फ्रेज, रेदार फंड अफ सिंगिंग, ठीक आछे। তারপরে ডি তে দা স্পটেড পাপ্পি, এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ, দা স্পটেড পাপ্পি। এই নাউন ফ্রেজের ঘরে লিখে নেবে দা স্পটেড পাপ্পি। তারপরে এখানটা থেকে দেখো কি আছে, কোল্ড ব্লেক বাইটিং ওয়েদার, এটা কি আছে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ। এখানে দেখো কোল্ড ব্লেক বাইটিং ওয়েদার। তারপরে এফ এ আছে দেখো, অ্যাট দা মল ল্যাটার ইন দা ইভিনিং, এটা কি আছে অ্যাডভার্ব ফ্রেজ। এখানে দেখতে পাচ্ছ লেখা আছে অ্যাট দা মল ল্যাটার ইন দা ইভিনিং। এবার চলে আসো অ্যাক্টিভিটি 4, রাইট এ লেটার টু ইউর ফ্রেন্ড ইন অ্যাবাউট 80 ওয়ার্ডস হু সেজ স্টেজ
far away. Describing about a festival of West Bengal, you may use the following points. এবার হিন্টস গুলো দেখে নাও. টাইম হোয়েন দ্য ফেস্টিভ্যাল টুক প্লেস, হাউ লং ইট লাস্টেড, নাম্বার অফ পিপল পার্টিসিপেটেড, ডিসক্রিপশন অফ দ্য ফেস্টিভ্যাল, ইয়োর এনজয়মেন্ট. চলো এবার কিভাবে লিখতে হবে দেখে নাও. ফার্স্টে লিখবে দীঘা, পূর্ব মেদিনীপুর, ওয়েস্ট বেঙ্গল. এটা তোমরা তারিখটা দিয়ে দেবে যেই তারিখে লিখতে চাও, আমি এখানে মেনশন করিনি. ডিয়ার ফ্রেন্ড সীমা, তোমরা নিজেদের ফ্রেন্ডের নাম দিয়ে দেবে. I hope you are well by the grace of the Almighty. I am well too. Please convey my regards to your parents. It's been long nice. I received your last letter. So I have thought of writing this letter. My friend, I celebrated the Saraswati Puja with great joy. Puja is celebrated on the 15th February of this year. I am surprised that all classmates came in our school Saraswati Puja, but I extremely missed you. I went out along with my close friends to visit the decorated Puja pandals across our school. It was the most joyous and memorable period of my life. I shall never forget this. Please write back when you get this. Thank you so much for reading till the end. Your loving friend Babi. এখানে তোমরা নিজেদের নাম দিয়ে দেবে. এখানে বাম দিকে লিখবে টু, সীমা চক্রবর্তী, তোমার বন্ধুর নাম দিয়ে দেবে বা বান্ধবীর নাম দিয়ে দেবে. কেয়ার অফ অনিশ চক্রবর্তী, হায়দ্রাবাদ, 12 নম্বর লেন. ঠিক আছে, এই পর্যন্ত আমি তোমাদের মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কটির সমস্ত প্রশ্নগুলো আলোচনা করে দিলাম. তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো সমস্ত বিষয়ে অ্যাক্টিভিটিগুলির উত্তর সবার প্রথম পাওয়ার জন্য.